नहीं, मैं नहीं मानता। नो 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 नो। गाजर का हलवा बन रहा है, ये बहुत देर हो गई इसको बनते बनते। ये देखो अब तो ये बनने वाला है, अब तो इसका पानी भी सूखने लग गया। A few moments later, हमारा गाजर का हलवा यम्मी यम्मी और टेस्टी टेस्टी, और हम इसको कवर करके रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शालू जैसी के दिन में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और शुरू हो गया हमारा न्यू ब्लॉग। आज दिखा रही हूँ मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन, कि मेरा मॉर्निंग रूटीन जो ऑफिस के टाइम का होता है वो कैसा होता है। और अगर सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट भी कर दें। और अभी मैं बना रही हूँ लंच। लंच किसका बना रही हूँ? वो बना रही हूँ मैं अरबाज भाई का, क्योंकि अरबाज भाई को ऑफिस जाना है। अभी उनके ऑफिस का टाइम थोड़ा जल्दी का हो गया है, उन्हें 7 बजे निकलना होता है। तो मैं उठती हूँ सुबह 5 बजे, और 5 बजे उठ के सबसे पहले मैं मतलब इंतज़ार करती हूँ अजान का, कि अजान हो जाए। उसके बीच में मैं जो भी मुझे काम करना होता है, जैसे सब्जी काटना होता है या फिर कुछ भी काम होता है, मैं वो काम करती हूँ। उस काम से फ्री होने के बाद फिर मैं जैसे ही अजान होती है नमाज पढ़ती हूँ। नमाज पढ़ने के बाद मुझे सुकून हो जाता है कि मेरा जो सबसे मेन जरूरी काम है वो हो गया है। और फिर उसके बाद मैं रिलैक्स होकर बनाती हूँ खाना। और खाने में जैसे लंच हो बनाती हूँ, ज़्यादा खाना तो हमारा ऐसा कुछ नहीं बनता है, बट जैसे सबका ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, बस ज़्यादा लोग हैं नहीं हमारे घर में, और जितने भी हैं उनके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा लंच डिनर तो है ही नहीं। डिनर का रूटीन तो मैं बहुत कम दे पाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैं वर्किंग वूमेन हूँ ना, इसलिए। डिनर का रूटीन तो मैं दे ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि डिनर का रूटीन इसलिए नहीं दे पाती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, जब तक मैं जॉब से आती हूँ तो पूरे दिन का शेड्यूल ही वो हो जाता है ना, तो मैं या तो मॉर्निंग का दे पाती हूँ या फिर इवनिंग का, या फिर अगर मेरा ऑफ होता है तो मैं उस दिन फिर बताती हूँ आपको कि मैंने क्या क्या किया। और ऑफ वाले दिन या तो कहीं बाहर जाने का निकल जाता है मेरा, और या फिर, और अभी तो देखो मैंने जैसे बता रखा है कि इंशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है, वो आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर ना बने रहना पड़ेगा, और रमज़ान आने वाले हैं इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और बस अब रमज़ानों की तैयारी शुरू हो जाएगी। रमज़ान की क्या तैयारी करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा टाइम चला कर मैं जो भी ब्लॉग बनाती हूँ वो आप लोगों को शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ। अभी मेरी म्यूटिंग अभी लोग मेरी नीचे चली जाती है। सपना कौन सा पारा लग रहा है? रमजान तक हो जाएंगे पूरे? इंशाल्लाह हमारे यहाँ से ना तीनों के कुरान शरीफ पूरे होंगे। तुम्हारा तो माशाल्लाह वैसे भी 3-3 कुरान पूरे कर ही लेती हो। मेरा भी लंच पैक हो गया और हो गया हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। ये देख, और ये दो पराठे नजर आ रहे हैं, दोनों मेरे नहीं है, एक सपना का एक मेरा है। और ये भी हमारी चाय गरम। चलो भाई अब हम ब्रेकफास्ट ले जाते हैं। स्टील के बर्तन में खाना खाने में कितना अच्छा लगता है ना, क्योंकि मेरे यहाँ है नहीं ना इतने, इसलिए। और ये हैं पाए हमारे रात के, क्योंकि हमने रात में डिनर में पाए बनाए थे, और ये हम ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं। आप लोग भी आ जाइए। 1 hour later, और ये हो गया मेरा प्याज को हमें ना ज़्यादा चेंज नहीं करना है, अभी थोड़ा सा और ये हल्का सा राउंड हो जाए फिर मैं इसमें डालूंगी टमाटर और ग्रीन चिली।
ये देखें अब हो गए ना ये। अब मैं इसमें डाल दूंगी टमाटो, ये पड़ गए इसमें टमाटो, और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में क्या डालेंगे देखा, मैंने डाली इसमें हल्दी और रेड चिली, थोड़ी सी डाली है रेड चिली, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि ग्रीन चिली डाली है ना मैंने इसमें, और नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी इसमें, मैंने आपको बताया था ना ऑयल में, इसको हल्का सा ऑयल लगा के, और बस मैंने कढ़ाई में ही डाल दिया था उसको ऐसे से घुमा के, और फिर उसी में स्टीम करने के लिए रख दिया था। अभी मेरे टमाटर पक जाए, और जो हल्दी और वो डाली ना मैंने मिर्च, उसका कच्चापन निकल जाए बस। प्याज मसाला सारा कुछ पक गया, तभी मैंने इसमें जो बैंगन और मटर मैंने रखी थी ना स्टीम करके, वो मिक्स कर दिए, और ऊपर से मैंने डाल दिया है घर का कुटा हुआ गरम मसाला, थोड़ा दरदरा था और बहुत मस्त लगता है। अभी ये देखो, ये बन गया मेरा मटर और बैंगन का भरता, तो नहीं बोलूँगी मैं क्योंकि ये भरता तो नहीं बनाया मैंने, लेकिन ये बैंगन और मटर का, बैंगन और मटर की ये सब्जी। मेरी टंग कितनी स्लिप हो रही है ना, क्योंकि इसको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना, इसलिए मेरी टंग स्लिप हो रही है। और अब इसको मैं थोड़ा सा कवर करके पकाऊंगी, ये देखो बिल्कुल स्लो गैस पर, और मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, बस ये देखो अभी नीचे लगने लग गया। अब हम कर देंगे गैस बंद, बन गया हमारा मटर और बैंगन का सालन, ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, देखने में भी मस्त लग रहा है। The next day. रात के बजे हैं 11 और हमें लगने लगी भूख, तो हमने कहा झटपट क्या बनाया जाए, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था अभी डिनर में, डिनर में हमने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ हमने चटर पटर खाया, चाय के साथ क्रीम रोल वगैरह खा लिया था और कुछ नहीं खाया, बट उससे कहाँ पेट भरता है। हमें लगने लगी भूख, तो हमने कहा क्यों ना हम कुछ ऐसा बनाएं जो झटपट बन जाए, तो मैगी से ज़्यादा इजी कुछ भी नज़र नहीं आता, और मैंने बना डाली मैगी। और बताएं मुझे आप सब लोग कि किस किस को मैगी पसंद है और किसको नहीं पसंद। मुझे नहीं लगता कि मैगी किसी को पसंद नहीं होगी। मेरी मैगी ना थोड़ी सी मुझे टाइट लग रही थी, इसलिए मैंने इसमें पानी डाल दिया।